महिलाओं की कोशिश थी कि भाजपा के मुख्यालय तक पहुंचे, जो कि यहाँ से कुछ ही मीटर दूर मौजूद है, लेकिन बैरिकेड पर उन्हें रोक दिया गया। अंकिता के हत्याकांड को लेकर ये रोष आपको दिल्ली में देखने को मिल रहा है, जहां आम आदमी पार्टी की महिला फोर्स बेहद क्रोधित नजर आ रही और उनका रोष उन्होंने आज प्रदर्शन के जरिए व्यक्त किया। देखेंगे आप, एक महिला तस्वीरों में नजर आई है, हम आपको और क्लोज तस्वीरें भी लेकर दिखाते हैं। मेरे सहयोगी मुकेश यादव जी आपको दिखाएंगे तस्वीरें और देखेंगे आप किस तरीके से जो महिला फोर्सेस हैं वो ड्रैग करते हुए कुछ महिलाओं को लेकर जा रही हैं। बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी की महिला विंग इस वक्त जुड़ी है। आम आदमी पार्टी का जो ऑफिस है, दफ्तर है, वो भी यहाँ से कुछ ही मीटर दूर है, तो ऐसे में कई सारी महिलाओं ने अब पुलिस से बात करके दफ्तर जाने की बात मान ली है और वो अपने दफ्तर की तरफ आगे बढ़ रही हैं। पुलिस का वाहन खाली है, उसमें से महिलाओं को उतार दिया गया है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से आगे ये महिलाएं अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, दफ्तर पीछे छूट गया है और महिलाओं की भीड़ इस वक्त आगे बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है, जिनका लगातार ये कहना है कि अंकिता हत्याकांड में इंसाफ हो। उत्तराखंड, जो कि भाजपा शासित राज्य है, वहां पर लगातार जिस तरीके से क्रोध उत्पन्न किया जा रहा है, वही क्रोध, वही रोष राजधानी दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है। और देखिए, ये आम आदमी पार्टी की अब महिला विंग दफ्तर पहुंच चुकी है। ये दिल्ली का दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, जहां पर आपका दफ्तर मौजूद है। चंद मीटर दूर ही भाजपा का भी दफ्तर मौजूद है। उनके हाथ में जो तख्ती है, उस पर यही लिखा है कि कहां कहां गया अच्छे दिन का वादा, कब होगा इंसाफ। अंकिता हत्याकांड में जल्द इंसाफ की मांग को लेकर ये प्रदर्शन करीबन आधा घंटा चला है और अब आम आदमी पार्टी की महिला विंग एकाएक अपने दफ्तर लौट चुकी है। कैमरा पर्सन मुकेश यादव के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।